इंदौर से पंकज संघवी को कांग्रेस द्वारा टिकट दिया गया है। पंकज संघवी के बारे में बताया जाता है कि पंकज संघवी ने पहला चुनाव 1983 में वल्लभ नगर वार्ड से लड़ा था, जिसमें वे जीतकर पार्षद बने। तब वे भाजपा में थे, बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए। 1998 में पहली बार कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया। सुमित्रा महाजन, जो 90 से 125,000 के अंतर से 4 चुनाव जीती, संघवी से कड़े मुकाबले में उन 50,000 वोटों से जीत पाई थी। 2009 में वे महापौर का चुनाव लड़े, यह भी कांटेदार मुकाबला रहा। संघवी को भाजपा के कृष्ण मुरारी मोघे ने करीब 4,000 वोटों से हराया था। 2013 में वे क्षेत्र क्रमांक 5 से विधानसभा चुनाव लड़े और महेंद्र हार्डिया ने उन्हें करीब 14,000 वोट से पराजित किया। कुल मिलाकर कांग्रेस का चेहरा रहे संघवी 21 साल से कोई चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन उनकी गुजराती समाज और व्यापारी वर्ग में पकड़ होने से उन्हें फिर से टिकट दिया गया। देखना यही है कि इस बार इंदौर में मुकाबला कैसा होता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।